जय भीम साथियों, आज हम हमारे विशेष अतिथि हैं श्री गौतम चक्रवर्ती। अगर कभी आप लंदन जाते हैं या इंग्लैंड जाते हैं तो अंबेडकर मिशन और अंबेडकर सेंटर की याद सबको रहती है, और कभी भी भारतीय लोग जब ब्रिटेन जाते हैं तो सबसे पहले जो एक मिशन जहाँ पर भारतीयता का एहसास होता है तो वह है अंबेडकर सेंटर साउथ हॉल में। और हम जानते हैं कि बहुत से नए छात्र छात्राएं या इवन नौकरी करने वाले लोग जो भी जाते हैं, जिनको इंग्लैंड पहली बार दिखाई देता है, पहली बार इंग्लैंड जाते हैं, उनके लिए वो एक बहुत बड़ी जगह है जहाँ से कई सौ लोगों को मदद मिली है। और उसके अलावा जो है अंबेडकरी जो आंदोलन के लोग हैं उनके लिए तो ये एक प्रकार से पिलग्रिमेज है, जहाँ पर जाके वो लोगों से मिलते हैं, बातचीत करते हैं। और मुझे लगता है कि जब से ये केंद्र बना है तब से वहाँ पर भारत के प्रमुख हस्तियाँ, लोग, प्रमुख नेता, ब्यूरोक्रेट्स और सामाजिक कार्यकर्ता सभी वहाँ पर जाते रहे, और उस केंद्र के केंद्र बिंदु रहे हैं गौतम चक्रवर्ती जी। आज गौतम जी से पूरी हम चर्चा करेंगे, उनकी जीवन यात्रा की, उनकी इंग्लैंड आने की यात्रा की, और पूरे अंबेडकरवादी आंदोलन की क्या स्थिति है, किस प्रकार से वो देखते हैं। तो जय भीम गौतम जी, जय भीम। नमो बुद्धाय। नमो बुद्धाय। आज गुरु पूर्णिमा पर आपको शुभकामनाएं। तो आपको भी बहुत बहुत शुभकामना। गौतम जी, शुरुआत करते हैं कि आप इंग्लैंड कब आए? मैं 1969 एग्जैक्टली 51 ईयर के पहले मैं अच्छा इंग्लैंड की धरती पर आया, जी, और आने का मकसद तो कोई और ही था। एक हमारे बहुत ही अच्छे दोस्त थे, वो दोस्त ने कहा कि भाई आप इधर आओ और ये जो वेस्टर्न एक्सप्लोजर है वो आपको लेना है और भी स्टडी करना है, तो आप इधर आइए। तो हम हमेशा सोचते हैं कि भाई इंग्लैंड में जैसे बाबा साहब गए हम भी क्यों नहीं जाते। तो ऐसे कुछ घूमने जैसे आ गए थे, लेकिन वो टाइम निकलता गया, ऐसा निकलता गया कि 51 ईयर हो गए मुझे इधर। तो आप गए वहां पर पढ़ने के उद्देश्य से थे या काम के उद्देश्य से? नहीं, वो बहुत एक अच्छे मेरे साथी थे, दोस्त, हम साथ में पढ़ाई कर रहे थे वहाँ, जी तो हॉस्टल में थे, तो वो इधर आ गए थे, तो उसने टहल लगा दी कि भाई आप क्यों नहीं इधर आते। तो जी बहुत अच्छे हमारे रिलेशनशिप थे, तो वो उसने बोला कि भाई आप आ जाओ इधर। तो ऐसे हम घूमने के लिए, देखने के लिए, फिर बाद में ऐसा मौका मिले तो पढ़ाई भी करेंगे। जी लेकिन जी वो आर्थिक संकट की वजह से इतना पढ़ाई तो मैं नहीं कर थका, जितना कोशिश तो किया। यहाँ भी मैंने ज्वाइन किया इकोनॉमिक्स जी पढ़ने के लिए, आगे इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी, तरह तरह के दो तीन सब्जेक्ट लिए थे, जी हिस्ट्री का भी लिया था, लेकिन वो आगे मैं नहीं पढ़ पाया इधर। हाँ जी और इस तरह से देखो कैसे के कैसे फिर बाद में संसार में पड़ गए, शादी हो गई, फिर बाद में कारोबार शुरू किया, ऐसे करते करते अभी काफी समय गुजर गया यहाँ। तो जिस वक्त आप आए थे उस समय वहां पर अंबेडकरी आंदोलन मौजूद था इंग्लैंड के अंदर? बहुत ही अच्छी तरह से है, क्योंकि जो जी हमारे जो दिग्वंत लोग जो थे, जैसे जी हमारे चौधरी चरण राम थे, वो हमारे भैया साहब के बहुत अच्छे दोस्त थे, और दूसरे भी जो लोगों ने बाबा साहब के साथ काम किया था, ऐसे लोग यहाँ पहले से आ चुके थे, जी जैसे कि हमारे खोबरागड़े जी थे इधर, शेखर बागुल जी थे, और वीटी हिरेकर साहब थे, ऐसे बहुत सारे महाराष्ट्रियन, और वो लोग यहाँ आके काम कर रहे थे। और जैसे आपने नाम सुना होगा बनते जो संरक्षिता, जी जी बिल्कुल वो पहले इधर आ गए थे, हमारे से पहले भी वो आ गए थे, और इधर नजदीक में ही हमारे यहाँ बुद्ध विहार था, जी तो ये जी लोग बुद्ध जयंती मनाते थे और बनते के बुद्ध विहार में जाते थे। और इस तरह से ये पंजाबी भाई लोग जो थे यहाँ ज्यादा तादाद में थे पहले ही थे हमारे, हाँ ज्यादा पंजाबी, मराठी भाई लोग तो बहुत कम थे, जी लेकिन जो भी मराठी भाई लोग जो थे वो बहुत ही डेडिकेटेड एंड बहुत ही माने बाबा साहब के मिशन के अंदर श्रद्धा रखने वाले थे। और वो अच्छा टाइम पर भी कुछ चंद लोग भी इकट्ठे होके घर पे भी वो लोग
बाबा साहब की जयंती मनाते थे, तो जी वो हम तो देख के माने हैरान हो गए कि भाई इतना लगन और इतना कैसे ये लोगों के अंदर है। तो मुझे ज्यादातर यहाँ आके सीखने का मिला, क्योंकि भारत में तो सिर्फ हमको ये भीम पत्रिका एलआर बाली साहब की आती जी थी, जी 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 तो हम जी लोग वो पढ़ते थे। बाकी तो एक दफा वो यूएनओ का जो ये है ना वो उत्थान, तो वो एक दफा एक धर्म हाँ कांति शिविर हुई थी वहां मध्य प्रदेश में, जी हाँ जी तो वहां वो आए थे, तो वो टाइम पर थोड़ा बहुत हमने सुना था। लेकिन यहाँ आके तो हम देख के हैरान हो गए कि लोगों का उत्साह, उमंग, और किस तरह से वो बाबा साहब की जयंती मनाते थे, ये सब बहुत अच्छा लगा। और जी बहुत कुछ सीखने का भी यहाँ ज्यादा हमको यहाँ मिला, जी ये मैं कह सकता हूँ। जी 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 तो जैसे पंजाब से जो लोग आए, पहली जनरेशन के लोग थे, आप भी शायद पहली जनरेशन के थे जो यूके में आए, तो काफी जी संघर्ष उनका ज्यादा रहा है। बहुत ही संघर्ष, क्योंकि वो टाइम पर जो है ना विद्या जी स्किन हेड का बहुत ये जोर था, तो जी स्किन हेड का जो हम लोग बहुत डरते थे, और रोड पर जाने के लिए भी अंधेरा जैसे हो जाता था तो हम नहीं जा सकते थे, क्योंकि स्किन हेड का बहुत डर था, और लोग जो हमारे हैं डरते थे, और इतना डरते थे कि जब भी हम लोगों को यहाँ पता चला, बहुत जल्दी पता चला, 1970 ही पता चल गया था कि बाबा साहब यहाँ लंदन में ही रहते थे, हम इससे नजदीक में ही रहते थे, तो हम लोग वहाँ बाबा साहब के मकान के सामने जाके खड़े हो जाते थे। तो अच्छा वो वहाँ का जो ओनर है वो जी हमको वहां से भगा देता था कि आप व्हाट आर यू डूइंग हियर, यू नो, ऐसे ओ करके। अच्छा लेकिन हम अच्छा तो वहां जाके खड़े होते थे, फोटो खिंचवाते थे, लोग इंडिया से आते थे वो भी देखना चाहते थे। ये सिलसिला तो हमारा 1970 से शुरू हो गया, और अच्छा वो सिलसिला ऐसे शुरू हुआ कि धीरे धीरे करते वहां हम लोग हाई कमीशन में जाते थे। हाई कमीशन में तो 1917 में हमारे ये जो भाई लोग जो इतने स्टॉन्च जो बुद्धिस्ट थे, जी अम्बेडकराइट थे, जी बाबा साहब का जो बढ़िया से बढ़िया जो फोटो पोर्ट्रेट दे जी दिया, और जी वो आज की तारीख में भी आप वहां जाके हाई कमीशन में वो देख सकते हैं। और अच्छा 1970 से विद्या जी जी बाबा साहब अंबेडकर की जो जयंती है, पहले छोटे पैमाने पर होते थे, हाई कमीशन बुला लेते थे, जैसे आपा पंत आपने हाँ नाम जी सुना हाँ होगा, जी फिर जी जैसे अलेक्जेंडर साहब आ गए, ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग। तो ये आपा पंत तो हमको ऐसे कहते थे, वो चाय पिला देते थे, बाबा साहब को माला अर्पण कर देते थे, निकल आते थे छोटे अच्छा पैमाने पर, इतने नहीं। जी लेकिन वो कंटिन्यूटी फिर बाद में चलती रही, और जी ये आपा पंत जी जो है वो इतने डेडिकेटेड थे, वो कहते थे कि आप हमको काय को इतना बड़ा इम्पोर्टेंस देते हैं, हम तो बाबू है, एक्चुअल एम्बेसडर तो आप है, सही बाबा कह रहे साहब हैं के आप संतान है, बाबा साहब के राह पर चलने वाले हैं, तो जी असली असली जो है तो आप है, हम तो जी कुछ भी नहीं, हम तो बाबू है, आते हैं चले जाते हैं। तो ये लोगों की स्पिरिट, और वो बहुत प्रेरणा मिली, और वो ही परंपरा इंडियन हाई कमीशन ने संभाल के रखी। उसके जी बाद में वो एक गोरे साहब करके आए थे, एक सामाजिक बड़े समाजवादी थे, शायद आप जानते होंगे उसके, जी गोरे साहब करके एक आए थे, ऐसे जी तरह तरह के लोग आए। और अभी रिसेंटली वो मैडम जो पंडित वो कौन सी थी हमारे, उसकी बहन जवाहरलाल नेहरू की वो थी, अच्छा विजयलक्ष्मी पंडित, विजयलक्ष्मी पंडित हाँ वो थी। उसके बाद में अभी पहली दफा हमारे यहाँ एक दूसरी मैडम आई, अच्छा वो हाई कमिश्नर बनी इधर। तो अभी अभी कल मैंने पेपर में पढ़ा, और भी एक गायत्री कुमार करके एक मैडम हाई कमीशन में अपॉइंट हुई है, कल ही मैंने ये पढ़ा। अच्छा अच्छा तो अच्छा इस तरह से ये सिलसिला लोगों ने अच्छा हमारे लिए, माने हाई कमीशन के, और वो लोगों ने अच्छा बाबा साहब के लिए वो। तो मतलब सन 70 से लेके आप लोगों की भारतीय हाई कमीशन में लगातार जो है अंबेडकर जयंती का कार्यक्रम चलता रहता है। लगातार चलता रहता है, लेकिन इस सिलसिले के अंदर जो हमारे भारत से भी कई लोग आते हैं, जी और वो जैसे एक दफा तो हमारे राजू कांबले जी हमारे चीफ गेस्ट थे, जी और ये एक दफा लक्ष्मी नारायण बेरवा हमारे चीफ गेस्ट थे। तो हाँ ये जी लोग आते हैं, और फिर हमारे जो फॉर्मर चीफ जस्टिस थे वो भी एक दफा हाँ हमारे चीफ। के जी बालकृष्ण था, मैं भी था हाँ उसके जी साथ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी 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 मैं आया था उसके तो साथ। हाँ, वो भी थे। और दूसरे हमारे जो स्पीकर रहे, अभी नहीं रहे हमारे बीच में, अच्छा वो वहाँ के बंगाल के
बड़े सोमनाथ चटर्जी था, सोमनाथ चटर्जी, हाँ, सोमनाथ चटर्जी, सोमनाथ चटर्जी वो भी हमारे चीफ गेस्ट वहां रहे थे, बहुत ही माननीय और चिंतनीय बहुत भाषण दिया था। तो ऐसे तो बहुत ही मेमोरी है, और खास तौर पर ज्यादा से ज्यादा ये सेंटेनरी के टाइम पर ये जो हमारे डॉक्टर एल एम सिंघवी जी, उसने तो कमाल कर दिया, इतना कमाल कि वो हमारे रॉयल सोसाइटी ऑफ कॉमनवेल्थ में बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ और वहां वो आए, और काउंटेस माउंटबेटन वो हमारे चीफ गेस्ट आई थी वहां। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया से बढ़िया, मैंने देखा सिंघवी साहब की कविताएं भी देखी है मैंने, बाबा साहब की। हाँ, सिंघवी साहब बहुत ही डेडिकेटेड थे, और सिंघवी साहब बुद्धिस्ट के बारे में, माने सारे बुद्धिस्ट कंट्री के 7-8 बुद्धिस्ट कंट्री के एम्बेसडर हाई कमिश्नर को बुलाते थे। अच्छा। और उसके घर पे वो बुद्ध पूर्णिमा के समय पर वो बड़ा से बड़ा प्रोग्राम रखते थे और भिक्षुओं को भोजन दान देते थे। तो वो एक ऐसा ही और तरह का एक माहौल वो टाइम पर था, और उसके लिए तो हम जितना कहो इतना उसके लिए कम है, और वो उसको भूल नहीं पाते। एल एम सिंघवी साहब बहुत ही अच्छे सज्जन थे, और किसी से मुंह से कोई भी कहेगा एल एम सिंघवी जी का नाम आता है यार, तो वो कोई रुकते नहीं कि भाई ये तो हाई कमिश्नर तो ऐसे थे, ये पूछो। और वो ज्यादा से ज्यादा टाइम 6 ईयर तक वो हाई कमिश्नर यहाँ रहे, नॉर्मली वो हाई कमिश्नर इतने ज्यादा टाइम पर नहीं रहते। और वो टाइम पर अजीत डोवल साहब मिनिस्टर कोऑर्डिनेशन थे इधर। अच्छा। हाँ, तो वो भी काफी हमारे साथ सहयोग करते थे जी, और जी, जी, काफी अच्छे सज्जन है वो भी। तो गौतम जी, जो 1990 में मतलब जब सेंटिनरी सेलिब्रेशन था, जब यहाँ पर एक सरकार भी भारत में नई थी उस दौरान, तो आपके यहाँ पे भी काफी कार्यक्रम रहे, अम्बेडकर सेंटर को बनाने की क्या, कैसे इसकी नींव पड़ी जो साउथ हॉल में हमने बनाया, और क्या वो क्या हुआ विद्या जी कि ये हमारा जो 89, 90 और 91 इनफैक्ट वो 4 साल तक अंबेडकर सेंटिनरी के लिए बहुत से लोगों ने सपने सजाए थे, और वो हमने पार्लियामेंट के अंदर अंबेडकर सेंटिनरी सेलिब्रेशन कमिटी लॉन्च की, और उसमें हमारे कॉलीग जो है वो धनपत रत्तू है, चाहल साहब है, चरण चाहल वो अभी हमारे बीच में नहीं रहे, अरुण कुमार जी है, ऐसे हमारे जो पुराने जो साथी है वो लोगों का, एच एल विद्दी साहब है, वो एच एल विद्दी साहब वो टाइम पर हमारे प्रेसिडेंट थे वहाँ वो साल में सेकेंडरी के टाइम पर। और इस तरह से बहुत सारे जो हमारे जो लोग है वो लोगों ने इतना सहयोग दिया, इतना सहयोग दिया कि वो प्रोग्राम बहुत ही बढ़िया हुआ, और वो हम लोग 3 साल तक 89, 90, 91 और 92 में भी स्ट्रेच हुआ, वो रेजिन में भी बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, इतने बड़े बड़े प्रोग्राम हो चुका। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि भाई ये प्रोग्राम तो बाबा साहब का हम लोगों ने किया कि वी हैव रीडेडिकेटेड बाबा साहब फॉर द एक्टिविटीज, तो अभी कुछ सॉलिड हमने कुछ काम करना है। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि क्या करना चाहिए कि भाई ये साउथ हॉल जो है वो हमारा लिटिल इंडिया है, नियरर टू द एयरपोर्ट, क्यों नहीं हम वहां कुछ जगह बनाया जाए। तो हम लोग सब बैठे, हम लोगों ने सभी ने डिसाइड किया कि भाई ये हमने जगह वहां बनानी है। तो इस तरह से वो 1993 में सोचते सोचते ऐसे प्रयास करते करते 1993 के अंदर हमने वो जगह ले ली। तो जगह तो कम्प्लीटली माने रन डाउन थी, माने बर्न डाउन थी, और कुछ भी नहीं। तो लोग हमको कहते हैं कि ये लोग तो पागल है, इधर क्या कर पाएंगे, इतनी बड़ी जगह में ये कैसे क्या करेंगे। तो वो कम्प्लीटली डाउन टू यू नो ग्राउंड, माने कुछ भी नहीं था वहाँ। हम लोग वहां जाके विद्दी साहब और वो बख्शी जी और हम ऐसे 4-5 लोग हमेशा जब टीम में जाते थे तो कबूतर उड़ाने में हमको थोड़ा टाइम लगता था, क्योंकि कबूतरों ने घर जमा लिया था वहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम लोगों ने रात दिन मेहनत करके इतनी मेहनत की 7 साल हमको लगा जी। तो पहले तो हमने 1 पेज से ओपनिंग किया, तो वो भी वो टाइम पर 96 के अंदर वो जाने वाले ही थे हमारे वो सिंघवी साहब, वो आए वहां के लोकल मेयर आए, और एक खाबड़ा करके एमपी थे तो वो आए, ऐसे बहुत सारे लोग आके बहुत बढ़िया प्रोग्राम हुआ। और 14 अप्रैल 1996 में मोस्ट वनरेबल वजीरानंद भंते, वो जो हेड मंक यहाँ के संघ नायक, वो आए, तो उसने ओपनिंग किया,
और बहुत अच्छा वो प्रोग्राम फर्स्ट पेज जो पहले वाला जो बिल्डिंग है ना वो आगे वाला बिल्कुल वो पहले हो पाया जी। तो क्योंकि मनी भी रन आउट हो जाता है फिर लोगों के पास जाके हाथ बढ़ाते हैं कि भाई कुछ हेल्प करो बिल्कुल बिल्कुल फाइनेंशियली फिजिकली मेंटली सभी तरह से। तो ऐसे बहुत टाइम और बहुत कठिनाई से वो जगह फिर बन पाई धीरे 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 अभी आज वो। उसके बाद में फिर हम लोगों ने 4 साल और मेहनत की पीछे का हॉल बनाया पीछे के कुछ और कमरे बनाए सुविधा रहे भिक्षुओं के लिए सुविधा रहे इस तरह से करते करते हम लोग आगे बढ़ते गए। और फिर 2000 में हमने पार्लियामेंट के अंदर भी प्रोग्राम किया वहां वो टाइम पर हमारे चंद्रबोधि भंते वो चंद्रबोधि यानी अभी जो प्रोफेसर डॉक्टर सी डी नायक साहब है ना वो आए थे ओपनिंग के लिए हमारे वहां। तो और वो टाइम पर वो कोई मिल नहीं रहा था ओपनिंग के लिए जो आने वाला जो एमपी था वो भी नहीं आ पाया। तो हमने क्या किया वो किसी लोगों ने बोला कि भाई शरद पवार जी इज इन ए ट्रांजिट फ्रॉम यूएसए ही कैन कम। तो शरद पवार जी हाई कमीशन वाले लोगों ने बोला कि भाई ये क्यों नहीं वो भी एक इतना इतना काम करते हैं बाबा साहब का कलेक्टिव वर्क दिया बाबा साहब की फिल्म के लिए भी हेल्प कर रहे क्यों नहीं उसको बुलाया जाए। तो फिर शरद पवार जी बाबा साहब का मिलेनियम हॉल 14th of April 2000 में वो ओपनिंग करके आए थे। जी, इस तरह से ये हमारा यात्रा वो अंबेडकर सेंटर बुद्ध विहार की वहां से शुरू हो। तो यात्रा में तो काफी कठिनाइयां रहेंगी क्योंकि आज तो जो लोग देखते हैं सोचते हैं वे बड़ा बिल्डिंग देख लिया स्ट्रक्चर है वहां पर लोग हैं इतने बढ़िया फोटोग्राफ्स हैं इतनी बढ़िया लाइब्रेरी है तो इतनी आसानी से तो बनती नहीं है क्योंकि बनाने वाला जो केंद्र बिंदु होता है उसको तो काफी दिक्कतें होती है। आपकी आपकी यात्रा की में क्या कैसे सहयोग रहा कैसे दिक्कतें रही परेशानियां किस प्रकार दिक्कत तो जो है ना वो कल मैं एक वो पढ़ रहा था एक स्टोरी जी। तो वो जो हमारे जो काजबा होता है ना पता नहीं हिंदी में क्या कहते हैं काजबा वो जो चढ़ता है ऊपर जाता है वो नदी में जो छोटा सा क्या उसको हिंदी में कहते हैं अभी वो याद नहीं आ रहा मुझे वो उसको एक आप बोतल में बंद कर देंगे तो वो लोग कहेंगे कि भाई उसका ऊपर का बर्तन ये जो ढक्कन है वो बंद कर दो नहीं तो वो फिर निकल जाएगा बाहर। अच्छा। तो वो कहते नहीं वो काजबा एक ऐसी चीज है कि वो निकलेगा नहीं क्योंकि उसको जो ऊपर चढ़ेगा जैसे जैसे तो पीछे वाले जो है नीचे से उसको टांग खींचते ही रहेंगे तो इस तरह से वो नेगेटिव सोर्स ही होता रहेगा। तो आप उसको फिकर नहीं करना उसको वो जो बर्तन है उसके ग्लास में बंद नहीं रखना है उसको फिकर नहीं करने का। तो इस तरह से ये टांगे खींचने वाले अच्छा कुछ काम होता है तो उसके लिए मुसीबत तो आती ही आती है बाबा साहब को मुसीबत आई थी तो हम कौन है भाई। तो वो हमने उसकी दरकार नहीं की हमने सबको वेलकम किया और पॉजिटिवली हम लोग लगे रहे और सक्सेसफुली फिर हम लोग जो भी कुछ काम करना था वो प्रोग्राम हम लोग हाई कमीशन में करते रहते हैं फिर वो पार्लियामेंट में करते रहे। आपने तो हमारे एलएससी के प्रोग्राम में भी आपने आके तकरीर की थी आपने 125वां जयंती हुई थी यहाँ अमृत बिल्कुल बिल्कुल तो बहुत बड़ी आपने भी तकरीर की वहाँ आप आए थे और आपने अपने आप देखा है और पार्लियामेंट में भी हमारे प्रोग्राम आपने देखा है बिल्कुल हम रुकते नहीं और आपके साथ जब भी डायलॉग करने का और मिलने जुलने का बहुत अच्छा लगता है कि आप देश विदेश में जाते हैं लोगों से विचार विमर्श करते हैं तो ये एक हमारे लिए एक वातावरण मिशन का कंस्ट्रक्टिवली चलता रहता है और हम लोग करते रहेंगे ऐसे नई बिल्कुल। गौतम जी सबसे बड़ी बात यह है कि क्या होता है कई बार हम लोग केवल आंदोलनों में होते हैं तो आंदोलन वाले आंदोलनों की भाषा बोलते हैं वो भी जरूरी है लेकिन जो सकारात्मक कार्य है जो पॉजिटिव वर्क है जो पॉजिटिव एनर्जी हमारी आनी चाहिए वो एक केंद्र को देख के लगता है कि देखिए इंग्लैंड जैसी जगह पे आके लगता है कि बाबा साहब के नाम पे इन लोगों ने जो है झंडा अंबेडकरवाद का झंडा जो है दुनिया भर में क्योंकि जो है ब्रिटिश कैपिटल है और वो एक प्रकार से वर्ल्ड कैपिटल भी है लंदन तो एक ग्लोबल कैपिटल है जहां दुनिया भर के लोग आते हैं कम से कम ब्रिटिश एम्पायर के इतने सारे कॉलोनीज थे उनके लोग आते हैं ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट आते हैं इंटेलेक्चुअल्स आते हैं और एक सेंटर होता है तो एक लगता है कि भाई यहाँ पर है कोई जगह है जिसको हम अपना कह सकते हैं इसलिए जो है उसकी मैं सलाम करता हूँ उस चीज को। ये कहीं पर भी हमारे को जाने के लिए कोई जगह नहीं होती हकीकत बात है कि किसके पास जाएंगे हम किसको बोलेंगे कि वो हमारा अपना है लंदन में जाकर। उसके लिए मुझे एक बात याद आ रही है और बहुत ही अच्छी और ऐतिहासिक और प्रेरणादायक है।
मुंगेकर साहब और उसकी मैडम वो आए और हमने एक कमरा अच्छा बना के रखा है कि जैसे वो वीआईपी हम कहते हैं, उसमें वीआईपी जैसा तो कुछ है नहीं, नाम ही हमने वीआईपी है वो। लेकिन वो 7 दिन जब रहे और वो मैडम मुंगेकर के साथ के और हम बैठे और बात करने लगे, तो वो कहते हैं कि हम बढ़िया से बढ़िया होटल में पेरिस में जो भी साहब को बुलाया था तो वहां जाके आए। लेकिन जब गौतम जी और हमारे दूसरे साथी भी बैठे थे वहां, उसने मैडम ने कहा कि ये हमारी अपनी जगह है, वो सबसे बड़ी खुशी है। वो तो बहुत से देखी। तो इस तरह से सुखदेव थोरात साहब भी आते रहते हैं, आए मिले बैठे, हमने कई दफा हमने विचार विमर्श किया कॉन्फ्रेंस में, वो कई दफा सुखदेव थोरात साहब के एज ए एमिनेंट जो प्रोफेसर एंड इकोनॉमिक्स वो आते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो हम कई दफा मिलते हैं। ऐसे बहुत सारे एकेडमिक इंटेलेक्चुअल्स वो लोग के साथ विचार विमर्श करने का बार बार मौका मिलता है, और वो एक्चुअली एक अच्छा अंदर से महसूस होता है कि भाई इंग्लैंड में हम आ गए, आप लोगों ने क्या किया। तो एक दफा की बात है, मैडम माई साहेब अम्बेडकर के साथ हम कोलंबिया में बैठे थे। अच्छा, तो मैडम जो है ना, आप तो जानते हैं मैडम का कैसा ये था। हाँ जी, थोड़ा अचानक वो गुस्से करके बोला, दिस पीपल आर गुड फॉर नथिंग, यू नो, ऐसे करके वो शाउट करने के लग गए। मैडम कुछ प्रॉब्लम है, कुछ ये है? नहीं नहीं, वो सब सुविधा होटल में अच्छी है, सब कुछ अच्छी है। लेकिन वो कहती है कि आई वॉन्ट यू टू टेक द मोरालिटी फॉरवर्ड एंड वी वॉन्ट द मॉरल डेमोक्रेसी एंड वॉट यू पीपल आर डूइंग। और ऐसे करके मैडम ने फायरिंग में जो वो दिन हमको स्पीच दिया, तो वो हमको हिला दिया कि भाई ये कैसे बात करनी। तो वो टाइम पर हमने बोला कि मैडम जैसे कहते हैं इस तरह से हमने यहाँ अमेरिका में भी हमारी एक जगह होनी चाहिए। और वो ही टाइम में वहाँ सुखदेव थोरात साहब थे, डॉक्टर वो दूसरे बहुत सारे 30 लोग करीबन थे, तो उसमें से सभी लोगों ने हमको बोल दिया कि भाई हमने हमारा सेंटर होना चाहिए। तो वो टाइम में मैडम के हाजिरी के अंदर प्रेजेंस में हम लोगों ने सभी लोगों ने $1,000 देने के लिए अनाउंस किया, और उसमें सबसे पहले मैं था। और आप वो जो है 2013 में जो सेंटर वहां जो लिया गया, आपने देखा है वॉशिंगटन डीसी के पास, वो 13 एकड़ लैंड है और बहुत बड़ी जगह का वो प्रेरणा दी है। वो भी एक मैडम के प्रेजेंस में ही वो डिस्कशन में हुआ था अमेरिका के अंदर। तो अभी धीरे 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 वो काम भी चल रहा है। तो हमारा एक ही मकसद है हमेशा कोई भी जगह पर कि भाई बाबा साहब का मिशन चलना चाहिए, आगे ही जाना चाहिए, उसमें कोई हम लोग पीछे हट नहीं करेंगे, ऐसे ही हमेशा काम चलता ही रहता है। बहुत अच्छा। जो तो जब आपने अंबेडकर सेंटर, अंबेडकर मिशन की स्थापना की है, सेंटर की स्थापना की, बुद्ध विहार भी है वहां पर, तो मेन आइडिया क्या था उसको लेकर? हमारा मेन आइडिया तो ये था कि जो जिस तरह से वनरेबल मोस्ट वनरेबल सदादिशा भंते जो भिक्षु जो थे बाबा साहब को दीक्षा देने वाले में से एक वो थे जी। तो बाबा साहब वो वनरेबल सदादिशा भंते के साथ 17 ईयर थे, लेकिन हम 19 ईयर्स तक भंते जी के साथ रहे। भंते जी हमारे नजदीक में ही रहते थे और भंते जी के साथ बुद्ध विहार के अंदर हम देखते रहते थे, भंते जी की बातें सुनते रहते थे। और विजय चंद्र जो हमारे जो है सोहनलाल शास्त्री जी के बेटे, वो तो हम साथ में ही बैठते रहते थे और इतने इतने सवाल करते थे। अभी अभी भी है वो, करीबन 82 के हो गए हैं। अच्छा। तो वो ऐसे हम लोगों के साथ बैठ के, और भंते जी को खास प्रेरणा से भंते ने ये कहा कि आप किसी न किसी हालत में बुद्ध विहार बनाओ। अच्छा। और भंते ने ही अपना जो भंते शिवली जो है वो नेपोलिस भंते, वो भंते को हमने दिया, पहले भंते दिया कि वो आप वहाँ बुद्ध विहार में रहेंगे, आपके साथ आपको प्रेरणा देंगे, मार्गदर्शन देंगे। ऐसे धीरे 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 करके ये काम हमारा वहाँ शुरू हुआ, क्योंकि मेडिटेशन के लिए हमारे लोग चाहते हैं कि हिंदी भाषा के अंदर हमारे लोगों को ये जो अवश्य प्रोग्राम करते रहे। तो इसी भावना से और इसी सोच से भंते सदातिशा को जो एक हमने डेडिकेशन करना था, जो हमने इतने साल 19 ईयर्स गुजारे, तो बाबा साहब का मिशन जो है सही तरह से प्रबुद्ध भारत करने का वो हमने किया। और वो ही भंते ने एक दीक्षा सेरेमनी बहुत बढ़िया से बढ़िया बर्मिंगहाम में की थी। वहाँ हमारे लोगों ने बड़े से बड़ा हॉल के अंदर वेस्ट ब्रॉमविच में बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ, और वहाँ वो टाइम पर भी भंते ने कहा था कि अभी आप सब लोगों ने अपना अपना बुद्ध विहार बनना चाहिए।
तो इस तरह से वो बढ़िया से छोटा बुद्ध विहार था, उससे बढ़िया बुद्ध विहार वो वुल्वरहैम्पटन में बना, फिर बर्मिंगहाम में बना, फिर ईस्ट लंदन में बना, जगह जगह पर हमारे जो लोग लगे हुए हैं वो सभी लोगों ने मिलजुल के बुद्ध विहार बनाने लगे। तो इस तरह से ऐसे एक कड़ी के अंदर हमारा साउथ हॉल का बुद्ध विहार भी बन गया और अभी धीरे धीरे काम चल रहा है। बहुत अच्छी बात है कि कम से कम लोगों को आने के लिए वहां पर बैठने के लिए और मेडिटेशन वगैरह करने के लिए भी जगह चाहिए। और मोस्टली बुद्ध विहार जो है वो कम्युनिटी के गैदरिंग, बैठने के लिए, आपस में चर्चा करने के लिए एक अच्छी जगह होती है, तो बहुत बहुत अच्छा है। अभी इंग्लैंड में मतलब जो अम्बेडकराइट कम्युनिटी है उसमें उनके कितने बुद्ध विहार होंगे अंदाज? अभी पहले जो थे ना हमारे बुद्ध विहार वो अभी करीबन 6 जितने तो है, उसमें ज्यादातर वो हमारे थाईलैंड के, बर्मा के, ऐसे लोगों के साथ भी मिले जुले हुए, जैसे नेपाल का भी एक हमारे भाई लोग है, उसका भी बुद्ध विहार है। तो इस तरह से हमारे अपने कहे तो पहले तो 5-6 थे, लेकिन अभी धीरे धीरे सिचुएशन बदलती है तो थोड़ा डाउन हुआ है, लेकिन सभी जगह पर बुद्ध विहार तो है। जैसे स्कॉटलैंड में भी हमारे श्रीलंकन बुद्ध विहार के लोगों की बुद्ध विहार है, इस तरह से ईस्ट लंदन में है, वुल्वरहैम्पटन में है, बर्मिंगहाम में है, ऐसे जगह जगह पर बुद्ध विहार तो है। और लोग हमारे थाईलैंड के जो भिक्खु है वो हमको ज्यादा हेल्प करते हैं, श्रीलंकन के भिक्खु है वो भी हमको आउट ऑफ द वे जाके काम कर रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं। तो सभी मिक्स मिलजुल के सब लोग सब काम कर रहे हैं। ये तो एक बड़ी चीज है, क्योंकि इंग्लैंड में जाके एक इंटरनेशनल रिलेशनशिप बन रही है बुद्धिस्ट कम्युनिटीज का। जैसे अभी आप देखें कि भारत के अंदर अभी इस सरकार को भी अंदाज हो चुका है इस समय, ये जो करंट गवर्नमेंट है, आप अगर इनको देखेंगे तो ये बहुत ज्यादा यूज कर रही है बुद्धिज्म को भी इंटरनेशनल रिलेशनशिप में। तो मुझे लगता है कि एक पॉजिटिव साइड भी है कि बुद्धिज्म के साथ में आपके जो इंटरनेशनल रिलेशन है थाईलैंड और नेपाल और श्रीलंका या जापान के साथ बढ़ रहे हैं। तो ये आप लोगों के कैसे हैं और देशों के साथ में जो बुद्धिस्ट लोग रहते हैं, जैसे जापान या कहीं ताइवान वगैरह के, वहां पर उनके साथ में आप लोगों के रिश्ते हैं? मतलब बहुत अच्छे है। जैसे कि आपको जापान बुद्धा ट्रस्ट जो है मिल्टन कीन्स में आपने देखा होगा, जी बिल्कुल, कितना बढ़िया और कितना अच्छा प्रोग्राम करते हैं। और हमारे भाई लोगों ने, हमारे पंजाबी भाई लोगों ने ज्यादा से ज्यादा जाके हेल्प की। वो जो पकोड़ा है पकोड़े को बनाने में, बनाने दो पकोड़ा है, एक तो वहाँ मिल्टन कीन्स में है, दूसरा यहाँ हमारे ये बेटरसी पार्क में रिवर थेम्स के ऊपर है, इतना अच्छा मॉन्यूमेंट बना हुआ है। तो इस तरह से जो है वो हमेशा सहयोग करते हैं। और जिस तरह से मैंने आप लोग को कहा कि ये जो हमारे कोई 5-6 साल तक वो हमारे एलएम सिंघवी साहब थे, ये सभी थाईलैंड के, बर्मा के, श्रीलंका के, ये सभी को बुलाते थे और वो हाई कमिश्नर आते थे। और अभी आज के तारीख में भी हमारे प्रोग्राम के अंदर हम बुला लेते हैं। अभी पिछले साल हमारे यहाँ डिप्यूटी हाई कमिश्नर श्रीलंका के आए थे वहाँ हमारे प्रोग्राम के अंदर, अम्बेडकर हॉल में। तो ऐसे हमने कांटेक्ट रखे है और मिलते जुलते रहते हैं। नहीं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि एक प्रकार से जो है एक रिलेशनशिप तो बनना ही चाहिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पे, क्योंकि भारत बुद्ध की जगह है तो भारत की तरफ सब लोग देखते भी हैं। तो गौतम जी, अभी जो बुद्धिज्म है हमारे भारतीय लोगों में इंग्लैंड के अंदर, वो उसकी ग्रोथ कैसी है, मतलब बढ़ रही है किस टाइप टाइप, ज्यादातर लोगों की चॉइस कैसी है बुद्धिज्म के प्रति? बुद्धिज्म के प्रति जो हमारे जो नौजवान है और जो बाबा साहब के जो आदर्श पर और प्रिंसिपल जो बने हुए जो बुद्धिस्ट है और वो प्रैक्टिस करते हैं और वो अपने बच्चे लोगों को भी इस तरह से समझाते हैं, और वो जो सोशल जो काम है, जैसे कि वो शादी है, विवाह है, उसमें भी भिक्खु लोगों को ले जाते हैं, बर्थडे टाइम पर भी भिक्खु को बुलाते हैं। तो इस तरह से एक तरह का ये जो माहौल है लोगों को अंदर, भिक्खु को भोजन दान देना ये सबसे बड़ा एक पुण्य का काम है। अभी आपने शायद देखा होगा कि इस साल हमने वो जो उसमें ऑनलाइन बुद्धा जयंती सेलिब्रेशन किया, उसके अंदर 30 डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के और 7 कॉन्टिनेंट के तरह तरह के भिक्खु लोग वो ज्वाइन हुए थे और वो सभी साथ मिलके वो लोगों ने प्रेरणा दी। और कई
लोगों ने ये प्रोग्राम सराहना प्रोग्राम की सराहना की, लोगों ने प्रोग्राम देखा और वो आगे काम चलता ही रहेगा और उसके अंदर कोई रुकावट नहीं है, लोगों की बहुत ही बड़ी श्रद्धा है। और खास तौर पर ये जो और लोग जो है, जो यहाँ के जो यहाँ के जो लोग हैं, वो लोग भी मेडिटेशन के लिए कहो और काम के लिए कहो, हमेशा वो आते हैं हमारे बुद्ध विहार के अंदर। ऐसा नहीं कि हम कोई ये धर्म का वो धर्म का नहीं, ओपन टू ऑल। ये हमारी जो प्रिंसिपल जो है तथागत की, वो हमने संभाला है। और बाबा साहब का उसमें भी हम कोई जाति का और वो कोई कास्ट का ये हम लाते ही नहीं। विदाउट दैट वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हम प्रांत के भी नहीं लाते हम। ऑल हमारे प्रोग्राम के अंदर बाबा साहब की जयंती के अंदर आप कहो कि थ्रू आउट इंडिया से कोई 6-7-8 स्टेट के लोग होंगे, और उसमें कोई ऐसा नहीं कि भाई एक ही स्टेट का और एक ही जगह का हो, ऐसा नहीं। हमने हमेशा ओपन रखा है ये तो। ये बहुत अच्छी बात भी है, क्योंकि मैंने देखा है केंद्र में, अंबेडकर सेंटर में, और जब मैं भी वहां पर आके रहा हूँ, कि कोई भी व्यक्ति वहां पर पहुंचा है और एक ही बात में लोग हमेशा ये कहते हैं कि गौतम जी ने कभी कुछ हमको ऐसा नहीं पूछा कि जैसे हम, खासकर भारतीयों में आदत होती है कि आपके पीछे क्या है, कहाँ से आए, उसके पीछे कहाँ से आए, आपका जो आदत होती है हम लोगों की एक सरनेम और कास्ट ढूंढने की। तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि यहाँ हम आते हैं और हमारी अगर यहाँ नहीं रहते तो शायद हम यहाँ रह भी नहीं पाते इंग्लैंड के अंदर। तो ये बहुत, क्योंकि यही क्रिटिसिज्म भी लोग कर देते हैं, कई बार लोग इसकी आलोचना कर देते हैं कि साहब कोई भी आ जाता है यहाँ पर। तो हमने कहा कि गौतम जी जिसको जानते होंगे तो कोई भी तो नहीं हो सकता। नहीं, वो क्या है कि हमने एक बाबा साहब का मिशन जब हमने लिया है, और बाबा साहब ने भी कहा था कि हमारे सभी लोग अमन चमन से और एक दूसरे से स्नेह भाव से रहे, हमने हाँ वो अगर वो हम ऐसा नहीं कर पाएंगे और हम वो विद इन दैट आवर सेल्फ भी हम लोग दीवारें बनाते चलेंगे तो कोई काम ऐसे हो नहीं सकता। इसीलिए हम लोगों ने ओपन हार्ट रखना है और डोर हमने ओपन रखना है। और हमने एक चीज का तय किया है, और हमारे सभी सदस्य और हमारे सभी जो मेंबर्स है वो का एक ही है कि ये जो हमारा बुद्ध विहार का अंबेडकर सेंटर का डोर है, वहां जो कोई एंटर होके आता है और उसके बाहर बाद में जाता है, उसमें एक एक चीज की हमने तकेदारी रखना है कि उसको किसी भी तरह की मुसीबत नहीं आए, उसको हर तरह की सुविधा। सबसे पहले हम जाते हैं, किसी ने खाना खाया, लंच किया, कैसे है आप, आपको कुछ प्रॉब्लम है, सभी को पूछा जाता है। तो एक तरह का ये बाबा साहब का मिशन सही तरह से ले जाने का हमारा मकसद रहा है। और कितने लोग आके गए रहे, और वो हम उसका कोई हिसाब किताब लगाने का वो हमारा काम नहीं। हमने तो हमारा जो काम करना था वो कर दिया, और आने वाले समय में आपको ये काम संभालना है, बस यही हमारी विनती है। और ये तो बहुत, ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि जैसे आपने रखा कि इसमें कोई आए रहे, और अगर कोई परेशानी में है तो वो भी आते हैं लोग आपके पास। साउथ हॉल जैसी जगह पे, सेंटर पे है बिल्कुल, जिसे बोलना चाहिए कि जहाँ से रेलवे स्टेशन भी दूर नहीं है, कोई भी सामने सामने सब चीजें उपलब्ध हैं। तो कई बार लोग ये आरोप लगा देते हैं कि साहब वो तो अम्बेडकरवादी नहीं है और वहाँ आके रहने लग गए, तो या बुद्धिस्ट नहीं है वहाँ आके रहने लग गए। तो इन आरोपों का आप कैसे जवाब देते हैं? उसके लिए हम पूरी तकेदारी रखते हैं कि हमारे अपने लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रेफरेंस दिया जाए, और उसके लिए ही है। बाकी कोई और अगर कोई किसी के फ्रेंड्स के फ्रेंड कोई आ गया तो हम पहले उसके बारे में पूछते हैं, क्योंकि आफ्टर ऑल ये बाबा साहब के फॉलोअर के लिए, और ऐसे नहीं कि आके कोई धर्मशाला नहीं है, धर्मशाला तो मुश्किल नहीं। उसके लिए हमने पूरी तकेदारी हमारे अपने अम्बेडकरी और बुद्धिस्ट जो लोग हैं, जो हमारे मिशन के साथ जुड़े हुए हैं, वो काम करते हैं, उसको ही हम इनवाइट करते हैं। जैसे कि बाबा साहब की जयंती पर भी कितने लोग आ जाते हैं, आते हैं, रहते हैं, और 2-3 दिन के अंदर वो अपने आप चले जाते हैं। और कभी कोई किसी को हम कहते हैं तो वो पूछते हैं, तो हम कहते हैं भाई आपको जो भी दान देना है तो ये जो दान पेटी है उसमें डाल दो, और आप ट्रेजरर है उसको मिलके दो। बाकी हम किसी के साथ ये रूल्स नहीं बनाया है कि ये आपको ये ही इधर जो है कोई पैसा लेना है कुछ भी। नहीं, ये पैसे का मकसद हमारा कभी भी नहीं है, और हम हमेशा हमारे अपने लोगों को हेल्प करना और उसको गाइड करना, और वो एक हमारा एक सबसे बड़ा मकसद है।
तो आपने मिशन की तरफ से बहुत सी किताबें छापी सेंटेनरी के दौरान, तो मैं देख रहा था कि काफी काफी पुस्तकें वहां से छपी हैं और काफी लोग आते रहे इंडिया से इधर, अमेरिका से 1990 में और 93, 4, 5 में काफी मैंने देखा कि पब्लिकेशन बहुत सारे थे। तो अभी तो भी होते हैं या क्या? अभी अभी हम लोग जो है वो छोटे पैमाने पे ई पेपर के तौर पर और अच्छा ऐसे अच्छा छोटा मोटा अभी निकालते हैं, जी लेकिन क्योंकि क्या हुआ कि ये पब्लिशिंग एंड प्रिंटिंग आपको तो पूरा तजर्बा है, वो टाइम पर सेंटेनरी के टाइम पर जो हमने जो वॉल्यूम निकाले, तो जी कितने लोग, मिडिल ईस्ट के लोग कहो, फार ईस्ट के लोग कहो, नॉर्थ अमेरिका कहो, वेस्टर्न हेमोसायर के अंदर इतना बढ़िया से बढ़िया पब्लिकेशन माने टॉप में टॉप क्वालिटी का हम लोगों जी ने प्रिंट किया, और इतने हद तक कि आज की तारीख के अंदर ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज और वो वर्ल्ड रिनाउंड यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों को हमने वो वॉल्यूम भी दिए, तो वो जी उससे और वो हमारे जो बाबा साहब के कंप्लीट वर्क है, 380 कंप्लीट वर्क जो है बाबा साहब के, हमने जगह जगह पर डोनेट किया और दिया, और वसंत मुन जी हमारे साथ आते थे, हमारे यहाँ भी रह के गए जी एक हफ्ता हमारे साथ, तो जी वो वहां स्पेशली वहां हम जाते थे, चन्नी रोड पर जो वहां प्रकाशन है ना, वहां जी जाते थे और स्पेशली वहां मैनेजर थे उसको रिक्वेस्ट करते थे कि भाई उसको डिस्काउंट दो, तो वो लोग हमको 20% डिस्काउंट भी देते थे, स्पेशली वो वसंत मुन जी बैठ के हमको कहते थे। तो ये बाबा साहब के पब्लिकेशन हमने तो निकाले, लेकिन उसके साथ में वहां से ज्यादा ही ज्यादा लिटरेचर, जिस तरह से ज्यादा ही ज्यादा लिटरेचर हमारे राजू कामले जी खरीदते थे, कई दफा हमको वहां मिल भी जाते थे वो प्रकाशन की जगह पर, और वो करते रहे और हमने भी जितना हो सके इतना ये लिटरेचर ज्यादा से ज्यादा लोगों के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर वो बांटा। और वो पहले एक समय ऐसा था कि बाबा साहब को लोग इतना जानते नहीं थे, तो लेकिन इधर हम लोगों ने एकेडमिक सर्कल पर इंटेलेक्चुअल के अंदर बाबा साहब को पहुंचाने के लिए हमने पूरी तकेदारी ली और हमने ये काम किया, और उसके लिए डेडिकेटेड मेरे साथ जो और भी जो लोग है वो जी ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहे, और हमने जैसे कहा काम ऐसे काम हुआ, और मेरे साथ ही आज नहीं है चनन चाहल जी है, जी ऐसे बहुत लोग बहुत भी है, और खास तौर पर अभी मैडम संतोष दास ने ये काम टेकअप कर लिया है एज ए प्रेसिडेंट, एंड शी इज वर्किंग रियली रियली गुड एंड वेरी हार्ड, एंड शी इज अ टॉप, वाज अ टॉप ब्यूरोक्रेट इन द इन द इन द ब्रिटिश सिस्टम हियर, बट शी टुक अ अर्ली रिटायरमेंट and she is really dedicated in her time and doing a lot of work. So we are really grateful for that. There's some upcoming the new generation who are taking up the Baba Saab's mission, and that will तो definitely will carry on. या जैसे अभी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में बाबा साहब का पोर्ट्रेट है, स्टैचू है, और कोलंबिया में है, ऐसे बहुत सी जगह पे है। आप ऑक्सफोर्ड में शायद आप लोगों ने किया, तो आप लोग क्या इसको कोई प्रयास कर रहे हैं कुछ मिल करके कि आगे सभी यूनिवर्सिटीज में जाए, ज्यादा ज्यादा दुनिया की, बाबा साहब का पोर्ट्रेट, बाबा साहब का स्टैचू, उनका पूरा कंपाइल्ड वर्क। वो ऐसा है विद्या जी कि जहां जहां बाबा साहब कनेक्टेड थे, पहले अच्छा हमने शुरुआत की हमारे इंडिया हाउस में बाबा साहब के साथ के, जहां तो 1992 के अंदर माइकल फुट जो हमारे हाँ डेप्यूटी जी लीडर हुए और वो नियरली टू बिकम ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ या कंट्री, या ये वाज अ वेरी वो माइकल फुट आए थे, टोनी टोनी बेन आए थे, और जो एलेनर जो हमारे ये जीलियट, डॉक्टर एलेनोर डॉक्टर जीलियट, एलेनोर जीलियट हाँ, वो तो वहाँ अमेरिका की बात अमेरिका है, से। वो तो अमेरिका का है, लेकिन वो ये बहुत सारे जो लोग जो थे, चीफ चीफ ओनियोकू कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, उसने ओपनिंग किया था, तो वो पहला किया, फिर बाद में हमने एलएससी के अंदर बाबा साहब का स्टेचू रखा, फिर उसके पहले वो जो पोर्ट्रेट भी रखा था वहां, हमारे मेमोरियल कमिटी वुल्वरहैम्पटन के भाई लोगों ने पहले वो वहां रखा था, उसके बाद में वो पोर्ट्रेट वहां भी रखा था कोलंबिया में, फिर बाद में हम लोगों ने स्टेच्यू भी वहां प्रेजेंट किया, फिर बाद में वैंकूवर में हुआ, ऐसे जगह जगह पर फिर और लोगों ने भी काम शुरुआत कर दिया और ले लिया। तो जी अभी ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज के साथ हमारे इतने ताल्लुकात नहीं है, माने बाबा साहब का इतना स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं, जी लेकिन हम लोगों ने वहां जाके प्रोग्राम करके बाबा साहब के कलेक्टेड वर्क वहां भेंट किया और सेमिनार अच्छा रखा, और ऐसा काम हमने किया है। बाकी जी तो अभी आने वाले समय में और जगह पर स्टेच्यू रखना और काम करना, ये तो अभी हमारे
अभी नहीं है, बहुत सारे आज के करंट इश्यू तो बहुत डिफरेंट है, करंट इश्यू के हिसाब से हम लोग काम करेंगे, लेकिन ये शुरुआत भी हम लोगों ने ही की थी, यहाँ से यूके से शुरुआत हुआ था। मैं बिल्कुल वही मैं जानना चाह रहा था कि आप लोगों ने शुरुआत यहीं से की थी। तो अभी जो यूके के अंदर जो है अभी भी जो है कास्ट का जो सवाल है, आज आपने कुछ दिनों पहले देखा होगा कि अमेरिका के अंदर एक प्राइवेट कंपनी में कैलिफोर्निया में जो है सिस्को, उसमें एक इंडियन ने कंप्लेंट किया कि मेरे साथ जो है वो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, मुझे कम सैलरी पर रखा गया और जो एक प्रकार से पूरा जो गांव का जो इंडियन जो तरीका है कास्ट की हायरार्की को मेंटेन करने के लिए कहा गया। तो ये बात आई लेकिन बहुत से लोगों को इसका झटका लगा, लेकिन हम लोग जो आ रहे थे कि वेस्टर्न वर्ल्ड में जो है भारतीय लोग बहुत गए हैं और अपनी कास्ट लेके भी गए हैं, कितना कितना ज्यादा है अभी कास्ट सिस्टम या कास्ट डिस्क्रिमिनेशन अगर हम इंग्लैंड की बात करें। इंग्लैंड में जो है कि ये कानून पास हो गया था जी, और दोनों हाउस में से, और अभी कहाँ रुकावट उसको इम्प्लीमेंट करने में आ रही है उसके लिए ये सवाल, और यहाँ के जो हमारे डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काफी तौर पर उसके लिए जोर उठा रहे हैं, और अभी भी ये हमारे पर ये सवाल एक उठा है और वो अभी एक कलंक ही है, पूरे भारतीय लोगों के लिए भी कलंक है, और वो हमारे खास तौर पर जो आम्बेडकरी मूवमेंट के अंदर भी हमारा जो सबसे बड़ा एक पीछे हट हमारा हुआ है, और हम लोग यहाँ अभी भी लगे हुए हैं, ऐसे नहीं है कि हम लोग ये छोड़ने वाले हैं, और जो जजमेंट अभी वहां से आया है और जो आपका भी मैंने सुना था, बहुत अच्छा आपने वीडियो रखे, आपने जो अपनी राय रखी थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो इस तरह से एक अभी एक तरह का सेट प्रिंसिपल होगा पूरे वर्ल्ड के अंदर कि भाई ये क्या हो रहा है, और पूरे विश्व अभी देख रहे हैं अच्छी तरह से कि ये कहाँ हो रहा है और कहाँ जा रहा है, और उसमें हमारे भारतीय लोग हैं उसने भी सबक लेना चाहिए मेन स्ट्रीम वाले लोगों ने कि भाई अभी ये जो है आप लोगों ने जो कुछ हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा है, तो उसके लिए अभी वातावरण अच्छा नहीं है, तंग वातावरण है अभी। अगर यूके के अंदर देखें तो यहाँ लोग किस किस प्रकार से जो भारतीय लोग हैं वो उनकी वो अगर जातीय भेद करते हैं तो किस प्रकार करते हैं, जैसे हमारे यहाँ होता है वैसे तो नहीं, तो कुछ शटल कुछ जिस तरीके बदल गए हो सकता है इंग्लैंड में आकर। अभी अभी क्या है कि वो एक तरह का जो अंदर से मानस है ने, हम किसी के मानस को तो हम बदल नहीं सकते, क्योंकि वो अंदर जो लेके चलना है तो वो उसके ऊपर है और वो उसमें से निकलना चाहिए, और हमारे जो लोग है वो एक्चुअली डिसअपॉइंटेड है कि भाई हम लोग जो सही तरह से जिस तरह से बाबा साहब का संविधान है, जिस तरह से हम है और जिस वैल्यूज पर हम चलते हैं, और हमारे साथ ऐसा भेदभाव हो, हम लोग कभी एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है, लेकिन अभी उसके लिए हमारा एक डिसअपॉइंटमेंट के सिवा हमारे पास कोई और बात कहने का सहारा नहीं है। जो क्या नाम है अंबेडकर मेमोरियल बाबा साहब जहाँ पर रहे थे उसको तो अब उसमें भी कुछ परेशानियां थी, शायद अब पूरी हो चुकी हैं। जी जी जी, उसके लिए हमने जो लिया था उसके लिए हम ब्रिटिश जो सरकार है उसका हम खास जो है ने तहे दिल से शुक्रगुजार है कि वो लोगों ने हमारी फेवर में वो जजमेंट दिया, और वो लोकल काउंसिल को भी पहले जो विरोध करते थे और कुछ लोगों के वजह से वो प्रोटेस्ट की वजह से कुछ बातें कि भाई ये कैसे मेमोरियल होगा, कैसे होगा, लोगों को डिस्टर्बेंस हो जाएगा, लोगों का जो लाइवलीहुड है उसको इफेक्ट होगा, लेकिन फिर हम लोगों ने ये प्रूव करना पड़ा, बहुत से लोगों ने उसके लिए काम किया, और ऑब्वियसली अभी हमारे फेवर में अम्बेडकर म्यूजियम के लिए ऑर्डर मिल गया है, और खुशी की बात है कि कम से कम हमारे लोग वहां जाके पांव रखेंगे और वो देख पाएंगे कि भाई ये बाबा साहब की एक जगह थी, तो एक अच्छा एक स्टेप है, मूड है कि भाई ये काम हुआ है, तो अभी उसके लिए आने वाले समय में हम देखते हैं कैसे होता है क्या होता है, हम लोग काम करते रहेंगे। LSE वहां से तो करीबन कितना किलोमीटर, 1 किलोमीटर है क्या?
नहीं, वो है करीबन 3.5 किलोमीटर अच्छा, है। 3.5 किलोमीटर। हाँ, तो वो बाबा साहब चल के जाते थे। हमारी भी यात्रा 14 अप्रैल को और हाँ 6 दिसंबर को हमेशा जी यात्रा लेते हैं, चलते हैं जी पद जी यात्रा। कोई भी अनाउंसमेंट नहीं, कोई भी लिफलेट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, कुछ नहीं, जी सिर्फ पीस यात्रा। हम मौन ही चलते जाते हैं, सोचते जी रहते हैं कि कहाँ कहाँ बाबा साहब का, बीच में इंपीरियर होटल एक जगह आती है, वहां जो तीनों के तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बाबा जी साहब वहां रहते थे और अटेंड करते थे, तो वो जी भी रास्ते जी में ही आती है, तो वो भी अच्छा हम देखते थे, लोगों को भी दिखाते हैं कि बाबा साहब यहाँ रहते थे, जब जब तीन राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेंड की। तो वो सभी चीजों को हम मद्देनजर रखते हैं, दिमाग में रख के चिंतन करते करते 6 दिसंबर और 14 अप्रैल के, कोई करीबन 12 साल हो गए, 12-13 साल हो गए, अभी हम लोग चलते अच्छा रहते अच्छा जाते बारह हैं। तेरह साल से हो रहा है ये लगातार। वो पीस यात्रा का शुरू हुआ, लेकिन वो बार बार जाके वो तंग करना वो वहां के लैंडलॉर्ड को, और वो तो 1970 से शुरू हो गया था, तो अच्छा वो तब से फिर उसका भाव बहुत बढ़ गया फिर अभी। लेकिन कई बार जैसे अभी लोग आते हैं तो मेरे को लगता है कि रेजिडेंशियल एरिया भी है, था वो जिसमें जी उन्होंने ये कहा था, तो हम लोगों को भी कुछ एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई कैसे रहे वहां पर। और हमारे लोग जो है ना, वो ऐसे भी है ना, वो जरा एक दूसरे को जैसे मिलजुलते हैं तो कैसे जोर जोर से बात करते हैं। यहाँ तो जी प्राइवेट हाउसेस के अंदर जो है, लोगों को धीरे से बात करना, अभी लोगों को हम समझाते हैं, लोग भी समझते हैं कि भाई ये इधर महफिल और पार्टी और वो पिकनिक हाँ, करने और की कहीं जगह पर नहीं है। भी शोर करके फोटोग्राफ किसी भी तरह पे उठा करके हम लोग की जो हैबिट हाँ, छूटती है ना, वो थोड़ा तरह चेंज। तरह के फोटोग्राफ हमको कई दफा वो स्टेप्स के ऊपर से नीचे उतार देते, जाओ इधर से, डोंट स्टेप हियर, जस्ट गो डाउन। पर अभी हमारी जगह हुई है तो लोग ऑब्वियसली वहां खड़े रहते हैं, वीडियो लेते हैं, फोटो देखते हैं, और फिर वो तरह तरह की ऐसी सब बातें होती रहती है, लेकिन लोग एंजॉय करते हैं, वो एक अच्छी नहीं, बात। वो तो ऐतिहासिक हम सब लोगों के लिए जो है एक प्रकार से बड़ा प्रेरणा का प्रेरणा स्थल भी है, क्योंकि बहुत बाबा साहब जहाँ रह के पूरे इतना महत्वपूर्ण काम किए हों, जी और अपनी पढ़ाई का वो सबसे उनका महत्वपूर्ण रिसर्च का शोध का सबसे महत्वपूर्ण दौर था, तो जी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो डेफिनेटली जो है वो हम सब लोगों के लिए तो एक तीर्थ स्थल ही है। तीर्थस्थल है वो, ऐसे ऐसे कि इतना कि वो पहली दफा जब मकान के अंदर देखने के लिए जब गए जी तो हमारी संतोष दास जो है जी वो इतनी रोई, इतनी रोई कि पूछो अच्छा मत, रोई इस तरह से। एक टीचर थी, रिटायर हाई स्कूल टीचर, बड़ौदा से आई थी, तो वो जैसे पांव रखा उसने अंदर, एंटर हुई और फिर वो रोने लगी। तो मैंने कहा बेन क्या है आपको, क्यों रोते क्यों है? नहीं, वो कहती है कि मुझे आज इधर कैसे आने का मौका मिला, और बाबा साहब ने यहाँ रहकर दुख झेल के हमारे लिए जो स्टेज पर, जब जगह पर हमें आज ही आपको लाया, तो इसीलिए वो बेचारी रोने लगी। तो ऐसे बहुत सी कहानी है ऐसी, और नहीं, तो बहुत सी बातें हैं। ये तो सारे अम्बेडकराइट जो फैबो खास करके, और संतोष जी आपका, अरुण जी का, तो इसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है बहुत ही जो बड़ा इस चीज के लिए। और मैं क्योंकि इस चीज को शुरू से सुन रहा था, देख रहा था और फॉलो भी कर रहा था, तो मैं जानता हूँ कि कितनी परेशानियां इसमें रही जी हैं, जी और लेकिन आप लोगों की मेहनत से और आपके क्या बोलना चाहिए संघर्ष से जो है ये सब चीज सफल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा केंद्र बनेगा वहां पर। जी जी तो जी गौतम जी, आप तो भारत में आते रहते हैं और आपने एक आदिवासी क्षेत्र में जो बापी में, एक तापी में एक जी स्कूल स्कूल खोला है, तो ये कब आपने खोला, क्या उद्देश्य था इसका? वो तो एक्चुअली आपको जितना बताए इतना कम है, आप हमारे लिए बहुत, हम आपके शुक्र गुजार है कि आप 125th बाबा साहब की जयंती पर आप वहाँ आए, आपने तकरीर की और आप वहाँ जाते रहते हैं, हमारे आए, हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। जब भी हम लोगों ने सोचा कि भाई हमारे एरिया के जैसे पे बैक टू द सोसाइटी, तो जब भी हम लोगों ने सोचा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, तो हमने क्या किया कि 1990 के अंदर वो वहाँ हमने एक संस्था बनाई, और वो संस्था बनाई बाबा साहब के मूल्यों पर चलने के लिए। फिर बाद में 95 के अंदर बाबा साहब की जो सेन प्रतिमा, जैसे आप पार्लियामेंट के सामने देखते हैं, वही ब्रह्मेश्वर की प्रतिमा हम लोगों ने गांव में इंस्टॉल की, और उसकी अनवेलिंग के लिए के आर नारायण साहब आए, और वहां के आर नारायण साहब ने बोला था कि आपने यहाँ एजुकेशनल एक्टिविटीज भी करनी चाहिए। तो फिर हमने वहाँ जगह ली,
और अद्यतन 25 कमरे के साथ बहुत बड़ा मकान भी बनाया, आपने तो देखा है। और वो वहाँ हमारे बच्चे, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छी तरह से चल रहा था, बाद में अभी थोड़ी कठिनाइयां है, लेकिन वो 580 बॉयज एंड गर्ल जो किंडर गार्डन से 12th स्टैंडर्ड तक था और वो चलता था, तो इतने अच्छे कि कभी कभी हमारी छोटी सी गली में से जो गाड़ी और वो सब कोई 40 मिनट तक रुक जाती थी, क्योंकि इतने लोग बच्चे लोग वहां से चलते थे निकलते थे। तो ये एक बहुत अच्छा खुशी का माहौल हम लोगों ने वहां तैयार किया और एजुकेशन आदिवासी लोगों को लिए दिया। और वो कुछ लोग तो ऐसे कहते हैं कि हम इसीलिए स्कूल में आते हैं कि कम से कम एक दफा हमको अच्छा से अच्छा खाना मिलता है। तो ये हम लोगों ने वहां शुरुआत की। और वो साउथ गुजरात, ये रिमोट प्लेस है, आदिवासी का ट्राइबल एरिया है, वहां ये काम करने का, और हमारे दिल में एक भावना थी पे बैक टू द सोसाइटी, वो काम भी अभी चल रहा है। तो आपका तो हम बहुत शुक्रगुजार है कि आप 125th बाबा साहब की जयंती के टाइम पर आप वहां आए और लोगों को मिले, और हमारे आदिवासी भाई लोगों के साथ भी आपका काफी अच्छा संपर्क है, कुछ एक्टिविस्ट है वहां के, उसके साथ भी आप मिले। तो आप तो हमारे गुजराती क्या, और बहुत जगह पर आप जाते रहते हैं, तो इसीलिए आपका भी हम तहे दिल शुक्रगुजार हैं। तो बहुत बहुत अच्छी जगह पे है और बहुत बहुत लोग बच्चे निकल रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आप गुजरात से आते हैं, क्योंकि हमने लंदन में आपकी पूरी यात्रा देखी, तो गुजरात में आप आते हैं, आपका थोड़ा सी अपने पारिवारिक बैकग्राउंड के बारे में बताएं, क्योंकि गुजरात अब आ गए हैं, तो आपके माता पिता क्या करते थे और कैसे आपकी उस जमाने में किस प्रकार की समस्याएं थी जब आप पढ़ रहे थे। बहुत ही गरीबाई से, यानी ऐसी हालत की में से हम गुजरे, और खास तौर पर कैसे जीवन हम लोगों ने बिताया, और वो उसका बयान तो करने की मेरे बस की बात नहीं है। लेकिन मैं इतना ही कहूँगा कि माता का एक ही सपना था कि आप पढ़ लिख के अच्छी तरह से सभी को संभाल के समाज के लिए और लोगों के लिए प्यार मोहब्बत से आप रहो और जियो, इस तरह से माता जी का हमारे पर सभी का प्रेम था। और इस तरह से करते करते हम लोग यहाँ आ गए। हम लोग चार भाई बहन थे, उसमें से हमारे बड़े भाई चले गए, वो नहीं रहे, माता जी भी चले गए, वो करीबन 100 साल तक जी थी। और हमारे यहाँ अभी 7 मेंबर है घर के, मेरे 3 ग्रैंड चिल्ड्रन, मेरी मिसिज जोहानिसबर्ग से है, और हम लोग 7 लोग हैं, एक घर में रहते हैं, बाबा साहब के मकान के नजदीक में ही हम लोग हैं। हमने 38 ईयर्स बहुत अच्छा कारोबार किया, बहुत अच्छा, यानी हमारी फैमिली के मेंबर लोगों ने बहुत माने, मिसिस का खास तौर पर, उसमें जो भी कुछ आज हमें है उसके लिए हमारी मिसिस का बड़ा योगदान है, और उसके अपने उसी वजह से हम आज जो भी कुछ है। लेकिन मैंने, हमारे बिजनेस बहुत सक्सेसफुल था, बहुत कुछ था, लेकिन मैंने बिजनेस के लिए कुछ भी काम नहीं किया। बिजनेस में से ज्यादातर हेल्प मैंने ली, लेकिन वो ज्यादातर हमने ये मिशन के लिए मैं लगा रहा और वो करता रहा, वो रिग्रेट भी है। लेकिन मेरा सन अशोक और मेरे डॉटर इन लो दोनों हाई स्कूल के टीचर हैं, और वो लोगों को अभी हमारे बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, था नहीं, तो इसीलिए वो बंद कर दिया। और अभी हमारे हम लोग यहाँ रहते हैं, हमारे बच्चे लोगों को भी मिशन के अंदर इंटरेस्ट है। कभी कभी मेरी जो मिडल डॉटर है सांची, वो सांची तो बहुत बढ़िया बोलती भी है, उसको ऑरेटरी भी अच्छी है, और धीरे धीरे उसका एक सपना है कि कोई ईटन और कोई बड़ी जगह पर वो वहाँ जाके पढ़े और वहाँ जाके वो ग्रेजुएशन करे, ऐसे सपने वाले लोग हैं। तो इस तरह से अभी ये आने वाले समय में हम एक दिन तो नहीं रहने वाले, जैसे आप तो जानते हैं मेरे अजीज दोस्त जो हमेशा हमारे साथ ही रहते थे, भगवान दास जी जो हमारे साथ ही इतने क्लोज थे, इतने क्लोज थे कि पूछो मत। इसी तरह से ये हमारे भाई शांति स्वरूप बौद्ध भी हम लोग बहुत क्लोज थे, ऐसे बहुत सारे हमारे लोग अभी दोस्त, एल आर बाली साहब पिछली दफा आए थे तो हमारे साथ रुके थे, रहे थे, तो ऐसे बहुत सारे अभी लोग धीरे 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 जा रहे हैं, तो हम भी टिकट कटा के अभी लाइन में खड़े हुए हैं प्लेटफॉर्म पर, और वो वन वे टिकट है, अभी ये वापिस नहीं टिकट आने नहीं, वाला तो अभी वो ये सबका ही सिलसिला टिकट होता है, उसमें कैसी बता दी ऐसी बात नहीं, लेकिन जीवन जो है वो तो कितना सार्थक है, किसके लिए, हमारे को
कोई चीज हम छोड़ के जा रहे हैं, इतनी बड़ी इम्पोर्टेंट काम, तो वो काम महत्वपूर्ण होता है। जी और जी तो ये तो बहुत अच्छी आपने बात बताई। कि अब मैं ये प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूँ कि आज की स्थिति को लेकर के, आज जो अंबेडकरी आंदोलन है, आज अंबेडकरी आंदोलन की जो चुनौतियां हैं और जो सफलताएं, तो आप जैसे लोगों के कारण से बहुत, एक पहली जनरेशन के लोगों को मैं बहुत सलाम भी करता हूँ, पहली जनरेशन जैसे आप लोग भी आए, क्योंकि जैसे भगवान दास जी हैं, जैसे एल आर बाली साहब हैं, शांति स्वरूप बौद्ध जी हैं, बहुत सारे लोग हैं उस जमाने में जो है वो डेडिकेशन, क्योंकि मैं तो अभी भी बर्मिंगम में जब जाता हूँ तो मुझे वो महसूस होता है, वो फीलिंग महसूस होती है कि जिस तरह से लोग बाबा साहब अम्बेडकर को देखते हैं, एक बहुत पर्सनल फीलिंग होती है मुझे। तो आज जो है, आज आप अम्बेडकरी आंदोलन में तो लोग तो लाए हैं यहाँ तक, अब चुनौतियों को किस तरह से देख रहे हैं, किस प्रकार की समस्याएं हैं, किस प्रकार की चुनौतियां हैं और कैसे उनसे निपटा जाए? अभी ये जो नया समय है और नई जो मुसीबतें है, नए तरह के लोगों की तरह तरह की समस्या है, तो ऑब्वियसली उसके सामने हम लोगों ने वो लोगों को किस तरह से हम लोग आगे बढ़ा सकते हैं, वो नए समस्या में, नए समय में हम लोगों ने ऐसे आगे लेना है। जैसे कि आज सुबह सुबह में आपके इंडिया के 6:30 बजे के टाइम पर एक हमारे आर्टिस्ट लोगों ने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम आवाज टीवी पर दिया था, और वो उसके अंदर जो इतने ढंग से लोगों को, माने आज हमारी बुद्ध, आज पूर्णिमा है, तो पूर्णिमा के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए किस तरह से प्रोग्राम हो जाए और उसके लिए लोगों को जोड़ने के लिए और साथ में प्रेरणा देने के लिए म्यूजिक के साथ मिशन का संदेश दिया जाए। तो मैंने आज सुबह में थोड़ा बहुत ग्लांस किया प्रोग्राम, क्योंकि वो 6:30 आपके वहां हुआ, हमारे यहाँ 2 बजे था, तो मैं तो सोया था वो टाइम पर, तो वो बहुत अच्छा लगा। हमारे नौजवान, 2 महिलाएं थी, बहुत अच्छी तरह से एंकर कर रही थी। दूसरे वहां के जाने माने डॉक्टर अनिल खोबरागड़ी करके थे, वो उसने भी बहुत अच्छा गाना गाया, बहुत अच्छे किया। तो इस तरह से लोगों को किस चीज में रुचि है, किस तरह से हम वो लोगों को साथ में मिशन के साथ जोड़ के ले जा सकते हैं। अभी इस दफा विद्या जी, मुझे बहुत अच्छा लगा जी, कि ऑनलाइन कितने लोगों ने बुद्ध जयंती जगह जगह पर, वो मिडिल ईस्ट में कहो, हमारे वेस्टर्न हेमिसफेयर में जगह जगह पर कहो, जैसे कि वो कनाडा कहो, जगह जगह पर, और वो अभी अभी रिसेंटली 2 हफ्ते के पहले तो वहाँ हमारे गुरु रविदास भैया के वो जो है सहाय, वो सहाय साहब है ना, वो उसने रखा था प्रोग्राम, वो लोगों की टीम ने, गुरु बेगमपुरा सोसाइटी वाले। तो इस तरह से आज के संयोग में हम लोगों को, जैसे कि ये काशी टीवी है और भी जो दूसरे वेरियस तरह के जो चैनल है, वो अपने ढंग से जो काम अपना ले जा रहे हैं, तो वो सही है, जो भी ढंग से है, लेकिन वो सही है। लोगों को अवेकनिंग करके, जागरूक करके काम करने के लिए आज के संयोग में हमारे ज्यादा है ज्यादा मीडिया आए, और आपके तरह के जो मीडिया जो लोगों को ज्यादा, आप लिखते रहते हैं जो इंडिपेंडेंस एंड वो आवाज इन, वो आप टेलीविजन में आप लिखते रहते हैं ना, वो जो न्यूज़पेपर है हमारे देवेंद्र साहब का समाज, तो वो यही सही काम है, लोगों को मैसेज देना, लोगों को जगाते रहने का, वो ही एक काम अभी शुरू हो गया है। तो इसीलिए वो हम तो बहुत हैप्पी है, खुश है। बुद्ध जयंती भी देखो कितने अच्छी तरह से, नागपुर के तरह से कहो, वो आपके बॉम्बे के साइड से कहो, उत्तर प्रदेश की टाइप से कहो, फिर बीएसपी वाले ने भी जो बुद्ध जयंती अपने ढंग से किस तरह से मनाई, तो ये सभी अच्छा मूड है, अच्छा एक स्टेप है, धीरे 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 वो अपने अपने ढंग से, उसमें किसी को भी हमने नेगेटिव तरह से नहीं देखना है, उसको सहयोग देना है, उसको सराहना करना, उसको आगे बढ़ाना है। और उसी ही तौर में हम लोगों ने सोचा है, इस साल ये अभी नेक्स्ट वीक ही होने वाला था ग्लोबल अंबेडकराइट कन्वेंशन, वो होने वाला था, लेकिन अभी वो नेक्स्ट ईयर के लिए हमने पोस्टपोन किया है। अच्छा। और नेक्स्ट ईयर हम बड़े से पैमाने पर अच्छे अच्छे इंटेलेक्चुअल जो दुनिया के है हमारे, कहा तो जापान के हो, कहा ऑस्ट्रेलिया के हो, मिडिल ईस्ट के कहो, नॉर्थ माने नॉर्थ अमेरिका के कहो, वेस्टर्न हेमिस्फीयर के जो भी है, ये सभी को इन्वॉल्व करके हम बढ़िया से बढ़िया प्रोग्राम यहाँ नेक्स्ट ईयर हम करेंगे,
और बहुत से लोग उसके लिए कटिबंध है और वो प्रोग्राम होगा, तो उसमें कोई बहन छोड़ नहीं है। जहां तक हम लोग सांस में सांस है और फिलोसॉफिकली और जो भी वैचारिक तौर पर जो हम लोग जो दार्शनिक जो है बाबा साहब का मूल्य और जीवन, वो उसमें हम कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले। और उसके लिए दिग्वंत लोगों का हमको साथ सहकार मिला और कुछ आज लोग जीवित है हमारे बीच में, उसका सहयोग लेके अवश्य हम बाबा साहब का मिशन आगे लेके जाएंगे। जो अभी तक के आपने कार्य किया अंबेडकर मिशन के तौर पे, अंबेडकर राइट तौर पे, बुद्धिस्ट के तौर पे, इस पूरे कार्य में सबसे बड़ी अचीवमेंट आपको क्या लगती है, सबसे बड़ी उपलब्धि? सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि कि मेरे अपने जो लोग हैं, जो जिसके साथ जैसे एक अंबेडकर राइट डायरेक्टरी 1997 में हमने बनाई थी, बढ़िया से बढ़िया। उसके अंदर वो टाइम पर हमारे पास वो ईमेल और वो इतना ज्यादा नहीं था, हमारे लिए एड्रेसेस थे ज्यादा और वो फैक्स मशीन थी जी। तो करीबन उसमें बहुत सारे लोग जुड़े थे। अभी आज की तारीख में भी करीबन 4000 ऊपर लोगों के साथ थ्रू आउट वर्ल्ड में कॉन्टेक्ट है और सभी को कभी कभी वो कहते हैं आपको सिर्फ मैंने इसीलिए मैसेज भेजा और वो अंगूठा दिखाया और ऐसे कुछ है, जस्ट टू कीप इन टच, आप कैसे हो। बस ये एक लोगों के अंदर एक भावना है, लोगों के अंदर एक स्नेहा है, वो ये आज हम लोग प्राप्त कर पाए, हम पर्टिकुलरली मैं और मेरी अपनी फैमिली, तो इसीलिए मुझे अंदर से एक माने संतोष है। जैसे बाबा साहब ने कहा था ना कि संतोष से सबसे बड़ा आपका जो है ना ये परम धर्म है, तो वो एक हमारे साथ है और वो हमने अचीव कर पाए। तो अभी आने वाले समय में तो आप लोगों को जैसे करना है वो करें, लेकिन हमने हमारा मिशन अभी आपने तो ये यात्रा को काफी लाए हैं, तो मैं जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन के जो अंबेडकराइट्स हैं, क्या वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर में रह रहे हैं, वो लोग अपने देश के लोगों के लिए क्या कर सकते हैं, क्या आपकी सलाह होगी? वो लोगों के दिल के अंदर भावना है और वो लोग हमेशा मिलजुल करके काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि आज की तारीख के अंदर मेरे पास कितने ऐसे लोगों के एग्जाम्पल आए हैं और वो कहते हैं कि हमारे अपने बुद्धिस्ट बाबा साहब के आइडियोलॉजी के मानने वाले और जानने वाले जो आपके ध्यान में कोई है तो हमारी ये बिटिया के लिए आप हमको गाइड करो। तो अभी अभी एक नया सिलसिला आपको ये आपने कहा तो आपको मैं अंदर से बता देता हूँ, हम लोगों ने एक हमारा मेट्रोपॉलिटन जो प्रोग्राम है हमारे, जिस तरह से हमारे बच्चे बच्चे को एक दूसरे से परिचय और इंट्रोडक्शन हो, उसके लिए भी हमारा कुछ हमारे नौजवान है और कुछ हमारे दिग्वंत लोग है, उसकी सलाह से हम वो भी करना चाहते हैं। तो इस तरह से वो आने वाले समय में ये लिंक बना रहेगा और होता ही रहेगा और उसमें कोई माने कोई शंका नहीं है, डाउटफुल नहीं है कि नहीं होगा, वो डेफिनेटली वो लोगों की भावना है हमारे लोगों के लिए। और वो कम से कम वो भी चाहना चाहते हैं कि भाई मेरे अपने वंशज के और हेरिटेज का जो है बाबा साहब की जगह देखना चाहते हैं, हम महू जाना चाहते हैं, हम वो कुशीनगर जाना चाहते हैं, हम सारनाथ देखना चाहते हैं। और अभी अभी आपने देखा होगा वो श्रावस्ती के अंदर वहां जो हमारी भिखुनी बहनों के लिए सामनेर बहनों के लिए, वो यहाँ से हम लोग चंदा इकट्ठा करके रामपाल राही जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है फेडरेशन के, वो हमेशा दान देते रहते हैं वहाँ हमारी महिलाओं के लिए जो हमारी सामने महिला है। तो अगर वो भावना है तो ही अभी वो किसी के पास हम जाके खड़े हो जाते हैं और रामपाल राही खड़े हो जाते हैं तो वो कहते हैं आप आए हैं मुझे पता है क्या है, तो वो पैसे के बिना जाने वाला नहीं है। तो इस तरह से उसको पैसे देते भी है और वो वहाँ लोगों के पास जाते भी है। देवानंद रविंदर भंते जो है वहाँ के वो संभालते हैं बहुत अच्छा, वो श्रावस्ती में कभी भी आपको मौका मिले तो प्लीज आपने भी जाना देखना, बहुत अच्छा है वो भिखुनी के ट्रेनिंग का। जरूर जाओ, इस तरह से ये म्यूचुअली अंडरस्टैंड से जो भी थोड़ा बहुत जो काम है वो हमारे लोग यहाँ के निभा रहे हैं। वृद्धि साहब भी उसके अंदर बहुत जुड़े हुए हैं, अपने घर से भी स्पेशली कलेक्शन वो करके बच्चे लोगों को समझा के वो वहाँ भेजते रहते हैं, वो हमारे भिखुनी जो सामने भारतवर्ष के अंदर जो अम्बेडकरवादी हैं या जो पूरे समाज के लोग हैं उनको आप क्या बोलेंगे, कैसे अपने आगे बढ़े, क्या? उसको मेरी एक ही विनती है कि अगर हमने आगे जाना है, तरक्की करना है, तो हमने ये जो हमारे जो
अंदर अंदर के जो डिफरेंसेस कुछ भी है, जाति का कहो, धर्म का कहो, कि भाई ये तो बुद्धिस्ट है, ये तो अंबेडकराइट से, ये रविदास है, ये वाल्मीकि है, ये सब छोड़ के हम बाबा साहब के पहरेदार है, पहरेदार है, बाबा साहब के हम फॉलोअर है, बाबा साहब के बदौलत हम आज है, तो वो ये लगन वो लोगों के अंदर आ जानी चाहिए। और ये दूसरा जो व्यूज है वो नहीं रखना चाहिए कि दीवारें बनानी ही नहीं है, हमने ये सोचना ही नहीं है, हमने बाबा साहब ने जिस तरह से हमको जो दिया और जो मुकाम पर हम आज पहुंचे हैं, तो वो याद करके हमने ये सब चीजें भूल जानी चाहिए। यही हमारी आज मेरी इतनी माने यात्रा के बाद, माने अभी 54 ईयर्स मैं लगा रहा हूँ ये मिशन के साथ और ये भावना के साथ, और इस तरह से हमने लोगों को एक्सेप्ट किया, तो वही हम भी कहेंगे कि भाई आप बहुत हो चुका, ऐसा नहीं होना चाहिए, और लोग करें तो मुबारक उसको, लेकिन हम लोगों ने किसी न किसी तरह से कंधे से कंधा मिला से, पांव के पांव रख के, एक दूसरे से मिलजुल के हम लोगों ने काम करना है और मिशन बाबा साहब का आगे ले जाना है हम लोगों ने। मतलब बाबा साहब के मिशन पे रहें, और जैसे आपने कहा कि जब मैट्रिमोनियल की आपने बात की, लेकिन लोग आजकल मैट्रिमोनियल निकाल रहे हैं अपने पर्टिकुलर कास्ट बेस्ड, तो वो और पेपर निकाल रहे हैं या कई चीजें निकाल रहे हैं, तो वो भी पर्टिकुलर हो जा रही है। और हम तो चाहेंगे जो आपकी बात है वो हमारे जो चैनल वाले हैं वो भी सुने, कम से कम वो सबको एक दूसरे की चीजें लाए। बुद्धिस्ट चैनल पे रविदासी प्रोग्राम आए, रविदासी चैनल पे बुद्धिस्ट प्रोग्राम आए, तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये एक बड़ी बात होगी कि हम लोग उसको एक करके देखें। नहीं तो लोग जो है अपने अपने चैनलों पे तो आ रहे हैं, लेकिन वो अपने ही धार्मिक बातें कर रहे हैं और उससे ज्यादा जो है वो बात नहीं आ पा रही है। तो जरूर वो मेरे ख्याल से अगर दूसरे चैनलों पे आपके बात आप अपनी बात कह सकें जिस तरीके से, वो भी एक बहुत अच्छी बात होगी। सही बात कही आपने। और ये जो काशी टीवी जो है वो सिर्फ और सिर्फ महान सदगुरु रविदास जी का भी नहीं, बाबा साहब के और भगवान बुद्ध के बारे के भी प्रोग्राम, पूरा जो बुद्ध जयंती का प्रोग्राम भी वो लोगों ने वहां से टेलीकास्ट किया और रखा, और वहां के जो ट्रस्टी और वो जो है और वो भी हमारे साथ संपर्क में रहते हैं। और जैसे कि जो हमारे राज बागा साहब है वो हमेशा कहते हैं कि हम बाबा साहब के तो रखेंगे ही रखेंगे, उसके साथ में भगवान बुद्ध की और बुद्ध जयंती के प्रोग्राम के भी लिए हम सहयोग आपको करेंगे, और वो करते हैं। तो इस तरह से हम लोग मिलजुल के वो काम करते हैं, और उसमें कोई शक नहीं है कि हम लोग मिलजुल के नहीं काम करेंगे। हमने तो यहाँ शुरू किया है, इस तरह से हम भी वहां से एंटीसिपेट अपेक्षा रखते हैं भारत से भी। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि भारत में भी लोग कहते हैं कि रविदास और कबीर जो है बुद्ध की परंपरा के ही लोग हैं, वो कोई दूसरी उसके नहीं है, तो ये तो एक साथ ही रख के उनको काम करने की जरूरत है उनको आगे, और ये तो बहुत बड़ी धरोहर है हमारी, मतलब इससे बड़ी कोई धरोहर हो ही नहीं सकती। एग्जैक्टली सही कहा। तो मैं तो बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। इससे पहले कि मैं आपको, आपने काफी लंबा समय दिया है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि अभी ऐसी कौन सी चीज है जो अभी आपको लगता है 55 साल के बाद कि अभी आप कभी अभी आपको लगता है कि पूरी नहीं कर पाए, अभी आप देखना चाहते हैं? बहुत ही काम बाकी है, काम कभी रुकता नहीं। हमने हमारी तरह से जो नम्र प्रयास किया, जो भी हो सके इतना तो किया, लेकिन आने वाले समय में बहुत सारे काम बाकी है। हम लोगों ने एक अच्छी सोच वाले और अच्छे लोगों के साथ मिलजुल के एक साथ में बैठ के लोग बात कर सके, इस तरह का हमारे एक वातावरण होना चाहिए, और वो कुछ भी डिफरेंसेस है वो निकल जाना चाहिए। और वो एक मेरी तमन्ना है कि ये बहुत सारे इंटेलेक्चुअल कहो, हमारे एकेडमिक कहो, और बहुत से लोगों से हमारा जो संपर्क है, वहाँ के यहाँ के जो लोग हैं, हमारे वहाँ के लोग हैं, इंडिजिनियस लोग हैं, ये सभी लोगों के डिफरेंसेस भूल के हम लोग सब साथ में बैठे और साथ में हम एक ऐसा एक काम शुरू करके दिखाए कि हम लोग के अंदर कोई भेदभाव और डिफरेंसेस नहीं है, हम सब साथ में हैं, ऐसा एक कोई मुकाम पर हम जा पाएंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और ऐसा भारत में हो और यहाँ भी हो, इस तरह की हमारी लगन अभी भी है, वो हो पाएगा तो मैं समझूंगा कि जो हमारा जो काम था और मकसद है वो पूरा होगा। वहां तक मैं अभी मन में ये सोचता ही रहता हूँ, चिंतन करता रहता हूँ, और उसके लिए कोई नई दिशा, और हमारे पास कोई दिशाहीन लोग नहीं आए
दिशा शून्य लोग नहीं आए और हम राइट डायरेक्शन में, राइट वे फॉरवर्ड हमारे पास आ जाए, ऐसी सोच में हम अभी भी चिंतन कर रहे हैं। एक चीज जो मैंने देखी है वो बिल्कुल आपके कार्य से रिलेटेड ही मैं उसको कहना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग बाकी सब काम तो करते हैं, जो आंदोलन भी करते हैं और अपनी बात को रखते भी हैं, पर्सनल तरक्की भी लोग बहुत कर चुके हैं, IAS भी बन गए, PCS भी बन गए, प्रोफेसर भी बन गए, लेकिन अभी भी बहुत कम लोग हैं जो इंस्टीट्यूशन डेवलप कर पाते हैं, जैसे आपने एक बनाया या कुछ और लोग बना रहे हैं। तो ये इंस्टीट्यूशन जो है बन जाएंगे तो एक बहुत बड़ी जो है एक भविष्य की नींव हमारी पड़ जाती है भविष्य की जनरेशन के लिए। तो क्योंकि आपने अम्बेडकर मिशन बनाया तो वही मैं कह रहा था कि इंस्टीट्यूशन को लोग कैसे बनाए, उसके लिए कुछ आप बताना चाहेंगे लोगों को दो चार शब्दों में, क्योंकि इसमें सबका सहयोग लेने की जरूरत पड़ती है और बहुत कॉन्ट्रडिक्शन होते हैं, कैसे मैनेज करते हैं ये थोड़ा सी आप, क्योंकि आपका इतना बड़ा कार्य है उसको लेकर। उसके लिए सबसे पहले तो जो है ना, जैसे यहाँ गोरे लोग बात करते हैं ना कि वी विल सिट डाउन ऑन द टेबल एंड वी विल शॉर्ट ओवर द टी, और वो जब ये टी के लिए बैठते हैं ना तो बहुत सारे गोरे लोगों की समस्या ये जो है वो विल टॉक ओवर द टी ऐसे कहते हैं। तो इस तरह से हमारे लोगों के बीच में ज्यादा से ज्यादा विचार से मत होना चाहिए लोगों से। जैसे पहले हमारे बुजुर्ग लोग थे वो घर से निकलते थे तो हमारे वालदान 10 लोगों को पूछते थे, भाई घर में बच्ची कैसी है, उसकी तबीयत तो है, वो क्या है, वो कैसे है, एक दूसरे के संपर्क रखते थे। और वो संपर्क अभी तो हमारे पास ये लेटेस्ट में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, तो अभी कम से भाई आप कुछ संपर्क तो रखो, बात कराओ, कैसे कैसे कब कोई मैसेज जाता है तो कोई अंगूठा तो दिखाओ, कभी लोग तो अंगूठा भी नहीं दिखाते। तो ये सब जब नाबूद होगा और लोगों के अंदर से जब लोग जग जाएंगे कि भाई हाँ अभी ये जरूरी है, ये जो काम ये लोगों ने तो धक्का मार मार के गाड़ी इधर तक चलाई, अभी हमारी भी जिम्मेदारी है, हमको भी करना है, ऐसे जब लोग सीख जाएंगे, लोगों को ऐसे एक अंदर से आवाज उठेगी तो डेफिनेटली हम लोग काम कर पाएंगे। तो सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशन जो है वो होनी ही चाहिए। तो अगर हम बॉम्बे में उतरते हैं और बॉम्बे में जाके कहाँ हमने YMCA में और कोई होटल में और कहाँ जाना पड़े, हमारी अपनी जगह नहीं है, दिल्ली में नहीं है, जापान में नहीं है, तो क्यों नहीं भाई, आप इतने लोग हैं, इतने हो तो कम से कम इकट्ठे हो कि एक जगह तो बनाओ कि जहाँ लोग आराम से वहाँ और जगह जाए, उसके पहले कुछ कर पाए, वो भी नहीं कर पाए। तो जो हमने किया, हम लोगों ने हमारे यहाँ के जो वेस्ट लंदन में जो हम लोगों ने किया एयरपोर्ट के पास, इस तरह से आप लोग भी करो भाई, क्यों नहीं कर पाते हैं, वो एक हमारे दिल में अंदर जो है एक लगन है और सोच है, और कई जगह पर हम कहते हैं कि भाई ये आप करो, क्योंकि वो आप अंदर से लगन से करेंगे तो फिर और जगह पर होगी, नहीं तो फिर क्या है, ऐसे बातें ही करने से कुछ नहीं होता। तो ये हमेशा हम मिलने का कोई पॉइंट तो होना चाहिए ना, एक जगह पे जहाँ लोग आ सके, बैठ सके, तो ये जो आप कह रहे हैं बहुत इम्पोर्टेंट बात है। नहीं तो सब अलग अलग जगह पे बात करते रहेंगे तो बात होती रहती है। जी जी, लेकिन बैठने का एक पॉइंट होना चाहिए, एक जगह होनी चाहिए जहाँ लोग आए, कभी साल भर में एक दो साल में मिले जी, तो कम से कम वो रिश्ते बने रहे। जी जी जी, सही कहा। तो गौतम जी, आपकी ऊर्जा का राज क्या है? मेरी आपकी एनर्जी का, एनर्जी, हाँ, द ग्रेट मास्टर सेवियर बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, वो है बाबा साहब, बस बाबा साहब। कोई भी तरह की उलझन आ जाती है, कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो ये मास्टर एंड सेवियर को ये जो है ना, हमारे भगवान दास जी मुझे कहते थे कि 25 साल में जो मैंने कुछ सीखा है वो मैं आगे बांट देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ। उसमें से भगवान दास जी से, वो हमारे LR बाली साहब जैसे ऐसे लोगों ने जो कुछ हमको दिया, तो आज हम लेके चल रहे हैं, उसमें से यही एक सबसे बड़ा हमारा राज है। और इस तरह से कई हेल्थ का भी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ आता जाता रहता है, लेकिन मैं उससे कुछ रुकने वाला नहीं, मैं हमेशा लगा ही रहा हूँ और लगता रहूँगा, जहाँ तक आखिरी श्वास तक है वहाँ तक बाबा साहब का मिशन को एजुकेशनली, इकोनॉमिकली, सोशली, सामाजिक तौर पर और दार्शनिक तौर पर स्टॉन्च बाबा साहब के आइडियोलॉजी के पकड़ के आगे जीने का, बस यही एक ऊर्जा है और वो ही इस तरह से हमारा काम चलता रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी, आपने अपनी पूरी यात्रा को हम लोग के साथ में शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि इससे
जो हमारे अंबेडकरवादी साथी हैं और जो अंबेडकरवादी नहीं भी है, जो मानववाद पे यकीन करते हैं, वो सुनेंगे और उनको इससे जरूर कुछ प्रेरणा मिलेगी, बहुत कुछ आपके जीवन से। और अभी हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि जो भी आप आगे लंदन में करें या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में करें, हम लोग उसको सुनते रहेंगे, बातचीत भी करते रहेंगे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपको अच्छी सेहत और अच्छा स्वास्थ्य रहे, यही शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। और मुझे आपसे एक क्षमा भी चाहता हूं मैं कि आप कितने सालों के मेरे साथ पीछे पड़ी थी, लेकिन मैंने कुछ ऐसी प्रतिज्ञा ली रखी है और थी, आज वो प्रतिज्ञा का भंग हुआ है कि जहां तक मैं जीवित हूँ वहां तक मेरे अपने बारे में नहीं बोलूंगा, लेकिन और ज्यादातर बातें नहीं करूंगा, सिर्फ काम ही करना है। लेकिन वो प्रतिज्ञा का मैंने भंग किया, क्षमा। अभी आपका आपने कम बोला है, लेकिन ठीक है, बहुत चीज भूली है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत लोगों को बहुत कुछ मिलेगा। और क्योंकि आपका जीवन आपका कार्य से ही है, तो जो आपने किया है वो एक हम सबके लिए बड़ी गर्व की बात है कि हम मैंने कहा कि भारत में तो हमें कोई इंस्टीट्यूशन दिखाई नहीं दे जहाँ हम कहीं जा करके रह सकें, और हम यूके आते हैं तो हमको लगता है कि एक जगह है जहाँ पर हम जा सकते हैं। जगह तो बहुत सारे लोगों के घर होंगे, लेकिन जहाँ लग के हमको एक हमारा जो मानसिक संतुलन भी हमको मिले और शांति मिले, तो वो है अम्बेडकर सेंटर। और अम्बेडकर मिशन को हम सलाम करते हैं और आपको भी, और एक बार फिर आपके अच्छे स्वास्थ्य के लिए शुभकामनाएं। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय।